हाँ जी बाबा जी, मुझे वो है माने किस टाइम के लिए बोल रहे हैं? जब ये वाणी चली है उस टाइम के लिए बोल रहे हैं या आखिरी संगम के लिए बोल रहे हैं? जब वाणी चली है उस समय की बात बताई कि नाम ही है शंकर। क्या नाम है, क्या अर्थ हुआ? कोई एक आत्मा तो है नहीं, मान लो प्रजापिता है तो प्रजापिता एक धर्म की प्रजा का पिता है या सभी धर्मों की प्रजा का पिता है? तो उनमें नास्तिक धर्म भी है या नहीं है? तो लास्ट स्टेज का प्रजापिता वर्तमान में है या देवताओं का पिता है? एक मुरली में इसलिए बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिकों का कोई धर्म होता है क्या? है नहीं होता। और प्रजापिता के द्वारा ही शंकर नाम प्रत्यक्ष होता है। नाम काम के आधार पर है तो कोई एक धर्म नहीं कह सकते हैं, इसलिए बोला। और ये है धर्म की अति ग्लानी। ये अति ग्लानी भारत में ही होती है, दूसरे देश में नहीं होती है। और बाबा ने बोला है सुबह आपको मुजमुन में याद करो। हाँ अच्छी बात है। सुबह का जब बाबा मुजमुन में याद करता हूँ, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि जब मुजमुन में याद करता हूँ इसका असर सर दुनिया में मुजमुन दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति हो गई। क्या गुड़ गुड़ के बोल दिया, क्या बोला समझ में नहीं आया। हाँ बाबा का चेहरा मनपट में हर जगह मधुबनी देखने में आता है, मनपट में छप गया ना, जिधर देखे उधर बाबा है बाबा दिख रहे हैं। माना सर्वव्यापी हो गया, साकार सर्वव्यापी हो गया ना, शून्य निराकर एक व्यापी। अच्छा लेकिन साकार सर्वव्यापी ना व्यक्ति है नहीं, साकार साकार सर्वव्यापी हो गया। साकार सर्वव्यापी हो गया। अच्छा उसमें आते ना। अच्छा रूस देश में जाकर के बाबा को याद करोगे? हाँ जी। रूस में जाके बाबा को याद करोगे? नहीं नहीं। सर्वव्यापी कहाँ हो गया फिर? बाबा मुझे से भी भारत में भी याद कर सकते हैं ना? हाँ हाँ वो है, लेकिन सर्वव्यापी तो तब कहा जाए जब हर देश में व्यापक हो, हर देश में हमें एक जैसी याद आती रहे। तो रूस में जाएंगे वहाँ तो नास्तिक धर्म है, वहाँ तो कोई भगवान को मानता ही नहीं है, स्वर्ग को नरक को मानता ही नहीं है, आत्मा को परमात्मा को मानता ही नहीं है। तो ऐसे देश में अगर आपको रहना पड़े तो सर्वव्यापी याद आएगा? तो सर्वव्यापी तो नहीं है, झूठ बोल रहे। नहीं, तो भारत में भी याद कर सकता हूँ। हाँ भारत में, भारत में भी सब जगह नहीं, क्योंकि भारत में सभी धर्म फैले हुए हैं। भारत में भी
ज्यादा से जास्ती जो प्रजा है वो नास्तिकवाद की ओर चली गई है या आस्तिकवाद में है? नास्तिकवाद में चली गई। लेकिन जो पाप का बहुत सारा विनोदों में जाने का और पाप के सब मुरली सुनने सबने मुरली सुनने का मुझे अनुभव है ना। हाँ, इसलिए तो रूस में होते हुए भी मैं इंद्रिय यात्रा से सुन और इस सीजन के भागवतवाणी में एक पॉइंट आया है, ब्रह्मा बाप का जन्म ये दूर संकल्प से हुआ है। हैं? ब्रह्मा बाप का जन्म संकल्प से हुआ है। एक संकल्प दृढ़ संकल्प से। हाँ, कौन सा? संकल्पों को सिद्ध करने की हिम्मत उनमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा दृढ़ता है। तो ये बात किसको लागू होती है कि ब्रह्मा बाप का जन्म ये दृढ़ संकल्प से हुआ है? ब्रह्मा बाप एक है या दो है? अरे यहाँ अभी क्या बताया, यहाँ एक बताया या दो बताए? हाँ तो एक है माने पर्सनालिटी एक है या दो है? एक ही पर्सनालिटी है, वो बाप भी है और नहीं दादा नहीं माँ भी है, जैसे कहते हैं माता पिता, तो माता भी है और पिता भी है, वो एक रूप कौन सा है जो माता भी है और पिता भी है? वो तो अर्धनारीश्वर है। और कब हुआ बाबा का जन्म हुआ है? शिव बाप आते हैं तो पहले पहले कौन सी मूर्ति रचते हैं? एक ही मूर्ति के साथ आते हैं या तीन मूर्तियों के साथ आते हैं? तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि एक मूर्ति रचते हैं, आते तो तीन मूर्तियों के साथ हैं, लेकिन काम की शुरुआत ब्रह्मा के द्वारा होती है, इसलिए ब्रह्मा का ही रूप गणेश का रूप है। कहते हैं श्री गणेशाय नमः, शुरुआत ही वहां से करते हैं। और पहले प्रजापिता था ना, प्रजापिता ब्रह्मा उसके लिए पहले। प्रजापिता ब्राह्मण है या देवता है या वैश्य है या शूद्र है? किसकी औलाद है? तो पहले कौन है? पहले प्रजापिता ब्राह्मण है या उससे भी पहले कोई और है? ब्रह्मा का जन्म भी प्रजापिता से हुआ है। प्रजापिता ब्राह्मण है या नहीं? तो पहला ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता जब पहला ब्राह्मण है तो किसकी संतान हुआ? तो पहले ब्रह्मा हुआ या प्रजापिता पहला ब्राह्मण हुआ? पहले कौन हुआ? पहले ब्रह्मा हुआ। पर ब्रह्मा है? ब्रह्मा सो ब्रह्मा है। हाँ, ब्रह्मा रचना है। किसकी रचना है ब्रह्मा? किसकी रचना है? बाप की रचना है। गलत क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों किसकी रचना है? बाप की रचना है। बाप आते हैं तो अकेले तो नहीं आते, तीन मूर्तियों को रच के आते हैं। और किस कारण के लिए और कब तक है? किस कारण के लिए और कब तक रहेगी? बड़ी माँ है ना, जगदम्बा है ना। हाँ, तो बड़ी माँ जब जगत की अम्बा है तो जगत की भी देखभाल करनी है या सिर्फ भारत की ही देखभाल करनी है? जगत की देखभाल करेगी तो जाना पड़े जगत में या नहीं जाना पड़े? जाना पड़े। ब्रह्मा है
तो सिर्फ ब्राह्मणों का ही रचयिता है या सारी दुनिया ब्रह्मा से ही रची गई? और ब्राह्मण ऊंची कुरी वाले ही ब्राह्मण तैयार हुए, पैदाइश हुई, या सब कुरियों के ब्राह्मणों की पैदाइश वहां से होती है, ब्रह्मा से? नौ कुरियों की पैदाइश ब्रह्मा से होती है। तो उसे तो सारी दुनिया में चक्कर काटना ही पड़े, नहीं तो जगदम्बा नहीं कही जावेगी। जब तक सारी दुनिया में चक्कर न काट ले, सारी दुनिया का फाउंडेशन न पड़े, वो भारत माता का पार्ट थोड़े ही है। किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। जगत में तो नास्तिक भी होंगे, माँ की गोद में नास्तिक भी खेलेंगे। और भारत के महामंडलेश्वर बड़े बड़े हैं ना गुरु, तो उन्होंने सर्वव्यापी भगवान को बोल के झूठ बोला, तो ये शूटिंग कैसे होती है ज्ञान? सर्वव्यापी पहले बोला है या शिव हम पहले बोला? ब्रह्मा ने क्या बोला? तो बड़े से बड़ा सन्यासी पहले कौन हुआ? और बाबा 1940 में राहुलवादी आत्मा ये थी सिपाही 1940 में क्या हुआ? राहुलवादी आत्मा ये थी सिपाही हो गई। तो इसके बाद 36 का यज्ञ का पुण्य किस तरह से? 36 का यज्ञ का पुण्य किस तरह से? 36 का 46 का। हाँ। किस तरह? अरे बाप कारण या कारण अगर घर छोड़ जाता है, चला जाता है, तो कौन संभालता है बच्चों को? अम्मा थी, अम्मा ने संभाला। छोटी अम्मा भी थी और बड़ी अम्मा भी थी। लक्ष्मीनारायण के चित्र में लक्ष्मी की माला छोटी दिखाई है। रुद्र माला है 500 करोड़ की माला। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब बिंदु हैं, सब आत्माएं हैं। रुद्र माला जो है वो विशाल है, भले छोटी माला है 108 की, उन 108 में 500-700 करोड़ समाये हुए हैं। इसलिए विजय माला है छोटी, श्रेष्ठ आत्माओं की माला है। और 67 साल ब्रह्मा के सूक्ष्म अवतार में चले गए हैं। 67 साल माना 67 साल ब्रह्मा के सूक्ष्म अवतार में चले जाते, सूक्ष्म शरीर में। ब्रह्मा के 67 साल 67 साल सूक्ष्म वतन में चले जाते, सूक्ष्म शरीर में चले जाते। नहीं से शरीर छोड़ा है, 69 से शरीर छोड़ा ना। हाँ। और 36 में साकार शरीर मिलेगा? नहीं, फिर विष्णु साकार कहेंगे या विष्णु को क्या कहेंगे? विष्णु का पार्ट इस संसार में चलेगा या नहीं चलेगा? बच्चा तो जन्म लेगा 36 में ना बाबा? नहीं, 36 में बच्चा तो जन्म लेगा, लेकिन विष्णु का पार्ट साकार में चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, वो तो प्रजापिता का और वैष्णवी माँ का चलेगा। विष्णु एक आत्मा से बनता है या जो ब्रह्मा सो विष्णु, या जितने ब्रह्मा उतने सब मिलाकर विष्णु? तो एक की बात थोड़े ही है। हाँ, कॉम्बिनेशन है, उसमें ब्रह्मा भी शामिल है। साकार शरीर तो नहीं है? साकार शरीर मिक्स होकर के एक ही रह जाता है, एक पुरुष चोला और एक स्त्री चोला, और उसमें
जो भी ब्रह्मा के पार्टधारी हैं वो सब मिक्स होकर के पार्ट बजाते हैं। और उसको सिकिलदा बच्चा भी बोला है, सिकिलदा बच्चा भी वही है। हाँ, सिकिलदा बच्चा है। सिकिलदा का मतलब सबसे सिक सिक से मिले हुए, माने बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। और सूक्ष्म शरीरधारी पाप भी करते हैं ज्यादा, बोलते हैं इनके हाथ से पाप ना हो तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीरधारी सब पाप नहीं करते हैं, जो भी अकाले मौत होती है उनको सूक्ष्म शरीर तो मिलता है, लेकिन एक अकाले मौत बहुत अच्छी भी बताइए, कौन सी? जो हार्ट अटैक से होती है। तो अच्छी मौत वाले अच्छे कर्म करने वाले होंगे या बुरे कर्म करने वाले होंगे? अच्छे कर्म करने वाले भी होते हैं। और बाबा संगम युग मोजो का युग है। हाँ जी, तो उनकी मौत तो चली गई ना बाबा? इनकी उनके लिए है मौजों का युग, तुम्हारे लिए है मौजों का युग, भूल गए? वो प्यारा बच्चा है, वो नंबर दो में आता है ब्रह्मा के रूप में या नंबर वन विष्णु बनता है? नंबर दो में बनता है। जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, मतलब की साथ पहले एक ब्रैकेट में है लेखराज बाबा, लेखराज ब्रह्मा को आई, तो अलग के साथ पहले प्रोग्राम को आई की लेखराज ब्रह्मा को आई? ये क्लेरिफिकेशन किसने दिया है? ये गीता खंड एक में। हाँ हाँ, जो गीता खंड एक है उसमें बाय चांस ऐसा लिखा हुआ रह गया, क्योंकि सच्ची गीता खंड है जो बनाया गया है, पहली बार तो दशरथ पटेल की प्रेस में छपाया गया है। हाँ हाँ, नया है, रिवीजन हुआ है, लेकिन बाय चांस उसमें ये गलती रह गई है। और देवताएं कन्वर्ट होते हैं ना प्रभाव में आके। हाँ। तो वो पक्के देवताएं हैं, वो कन्वर्ट से होते हैं, और विदेशी कन्वर्ट होते हैं बाबा बोले। पक्के देवता किनको कहेंगे और कच्चे देवता किनको कहेंगे? कच्चे देवताओं की संख्या ज्यादा है या पक्के देवताओं की संख्या ज्यादा है? है, कच्चों की संख्या ज्यादा है। कच्चे माने और धर्मों में कन्वर्ट होकर चले जाते हैं। ब्राह्मण से देवता तो बनते हैं, लेकिन और धर्मों में कन्वर्ट होकर चले जाते हैं। और जो अपने धर्म के पक्के रहते हैं, और धर्मों में कन्वर्ट होकर जाने वाले नहीं है। यहाँ संगम में भी क्या बनते हैं? ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं, और फरिश्ता से देवता बनते हैं। देव रूप में भी पूजा होती है, और असली पूजा उनकी संगम युग के ही रूप की होती है। तो वो थोड़े से हैं मुट्ठी भर जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, परंतु उनमें भी नंबर वार हैं। कन्वर्ट होने वालों के बीज भी कहाँ हैं? तो वो भी एडवांस में, और एडवांस में कन्वर्ट न होने वालों के भी बीज हैं, वो बहुत थोड़े हैं। अष्टदेव जो हैं वो भी नीचे गिरते हैं नंबर वार आखिरी जन्म में, लेकिन अष्टदेवों में से एक ऐसा है जो आखिरी जन्म में भी, फर्स्ट जन्म में विष्णु था तो लास्ट जन्म में भी क्या रहता है? विष्णु का विष्णु ही रूप रहता है। तब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो आठ में से एक ऐसा है, और एक के जो भी फॉलोअर्स होंगे वो भी कैसे होंगे? एक जैसे ही होंगे या दूसरों की तरह होंगे? एक जैसे ही है।
वो फिर हिसाब निकालना पड़े, बिना हिसाब निकाले कैसे बता दिया जाएगा हैं? ये भी नहीं कह सकते, अगर वो ही 25,000 हो जाए तो फिर औरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और हाँ जी, ज्ञान की परीक्षा लेते हैं ना बाबा, पेपर जैसे 8 प्रश्न डाले गए तो वो तो ठीक बात है, पर जब बहुत शरीर का दर्द होता है तब बाबा क्यों नहीं मदद करते? तो बाबा सबको मदद कर दें या एक कोई मदद कर दें? जो याद करते हैं बाबा। हाँ हाँ, याद करते हैं तो याद आप भविष्य के 21 जन्मों के लिए प्राप्ति करने के लिए करते हैं या वर्तमान जन्म की प्राप्ति के लिए करते हैं? हम आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं या शरीर के लिए पुरुषार्थ करते हैं? शरीर माने स्वरथ, स्वरथ के लिए पुरुषार्थ करते हैं या स्व आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं? शिव बाबा जो भी कराते हैं वो आत्मा का पुरुषार्थ कराते हैं, आत्मा का कनेक्शन 84 भविष्य जन्मों से है और शरीर का कनेक्शन इसे एक जन्म से है। ये शरीर के हिसाब से जो भी हमें प्राप्ति होनी है वो हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है, उसमें बाबा कुछ नहीं उंगली लगा सकते। जन्म भी तो अनमोल है ना? है? जन्म भी अनमोल है। हाँ जन्म अनमोल है, वो जन्म आत्मा का है न कि शरीर का है। आत्मा शरीर के बिना? हाँ, आत्मा ने आखिरी 84वां जन्म लिया ना, तो आत्मा का ही पहले जन्म है। आत्मा तो न मरती है न जन्म लेती है, वास्तव में मरना और जीना आत्मा आती है। आत्मा जो है वो नया चोला धारण करती है तो कहते हैं नया जन्म मिला, पुराना चोला छोड़ दिया माना। हाँ, माने आत्मा जो है वो पुराने शरीर को मृत्यु, पुराने शरीर से मृत्यु पाकर नए शरीर में चली गई। और संगम में ही जन्म होते रहेंगे तो पुरुषार्थ कब करेंगे? हैं? संगम में ही जन्म होते रहेंगे दो तीन तो पुरुषार्थ? पुरुषार्थ संगम में जन्म होते रहेंगे दो दो तीन रहेगा, आत्मा है आत्मा है। तो तीन जन्म से ज्यादा तो होते नहीं संगम में? संगम में तीन जन्मों से ज्यादा किसी के जन्म बताए क्या? नहीं। वैसे आत्मा घूमती है तो हम बोलते भूत है इसको निकालो निकालो। हाँ? आत्मा तो घरेलू ऐसी हो जाती है। वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। आत्मा तो तब कहे जब बिंदु रूप बन जाए। वो बिंदु रूप कहाँ है? वो तो देह को छोड़ ही नहीं पा रहा है। देह की स्मृति को न छोड़ पाना मन भूत बनना, पंचभूत बनना, पांच भूतों का सूक्ष्म स्वरूप उसने धारण किया हुआ है। पृथ्वी जलवायु अग्नि से डिटैच हो ही नहीं सकता। और हम तो जब चाहे तब अपन को बिंदु रूप आत्मा में टिकाए दे, तो हम कोई भूत थोड़े ही है। और चाणक्य मगर देश के अंदर ही अपने गुप्तचर को छोड़ता है और विश्वकन्या को भी वो तैयार करता है गुप्तचर बना के, तो विश्वकन्या एक कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में अभी शूटिंग हो रही होगी कि नहीं है? हो रही होगी। विश्वकन्या वो होती हैं जो राजा की रक्षा के लिए CID करती हैं दूसरे राज्यों में जाकर। और ऐसी CID करती हैं कि उन्हें सांप का विष पचाया जाता है,
थोड़ा थोड़ा करके। जब ज्यादा विषैली बन जाती हैं, ज्यादा गहरे जहरीले सांप का विष भी पचाने योग्य बन जाती हैं, तब उनको दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में सीआईडी करने के लिए भेज दिया जाता है, और वो वहां जाकर के अपना घात करती है। देखने में तो सुंदर लग रही है, लेकिन अंदर अंदर उनका खून एकदम बेविचारी बना पड़ा है। तो दूसरे देश का सत्यानाश कर सकती है। अगर दूसरे देश का राजा थोड़ा भी दुश्चरित्र होगा, तो अगर दुश्चरित्र नहीं हुआ तो सुरक्षा बनी रहेगी। तो ऐसे ही यहां भी है, यहां भी एक धर्म की स्थापना हो रही है या सभी धर्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है? हैं? एक ही धर्म की स्थापना, शूटिंग अनेक धर्मों की नहीं हो रही है, हो रही है। तो यहां जो और धर्मों के बीज हैं, वो व्यभिचारी वृत्ति के हैं या अव्यभिचारी वृत्ति के हैं? व्यभिचारी वृत्ति के हैं। ठीक, देवता धर्म है जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों ही शामिल हैं, उनको छोड़ करके और सभी धर्म वाले कुछ न कुछ व्यभिचारी जरूर हैं, और वो व्यभिचारी वृत्ति पनपने के कारण ही उनके कनेक्शन में जो भी कन्याएं आती हैं तो विष कन्या बन जाती है। वो उनकी इतनी संभाल भी नहीं रखना चाहते, उनके द्वारा ही अपना और दूसरों का अनिष्ट करते हैं। और ये तो भगवान के लिए करते हैं। भगवान के लिए ऐसा काम किया जाता है? यज्ञ के अंदर कोई कन्याओं को ज्ञान दे और ज्ञान देने के बाद उनको भ्रष्ट बना करके यज्ञ में अर्पण कर दे, तो ये ज्ञान के लिए किया? है मकान होता है ना बाबा, उसमें एक तरफ इससे शुभ एक तरफ लाभ। हाँ हाँ, शुभ लाभ लिखते हैं तो क्या होता है? शुभ लाभ है वेलकम भी लिखते हैं, कुत्ते से सावधान भी लिखते हैं, शुभ लाभ भी लिखते हैं मकान के बाहर। हाँ हालांकि कुत्ते से सावधान लिखते हैं तो लाभ होगा या नुकसान होगा? हैं? हाँ, कुत्ते से सावधान अगर लिखते हैं तो भी लाभ होगा कि नहीं होगा? अरे लाभ होगा, अगर सावधान न रहे तो नुकसान हो जाएगा। तो लाभ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी समझा जा सकता है कि कुत्ते से सावधान अर्थात तुम्हारी लाभ की बात बताई। वाह हाँ। भाई खूब कुत्ता याद आया। हाँ। और अभी भी परंपरा वही चल रही है। और साल चावल पुराने में ब्रह्मा बाप के लिए कहा है कि वो कर्मातीत बन चुके हैं। और कर्मातीत बन चुके है? सूक्ष्म शरीर से बन चुके या स्थूल शरीर से बन चुके या संपूर्ण बन चुके? कर्मातीत तो सूक्ष्म शरीर से बना जाता है। सूक्ष्म शरीर वालों को रूप नहीं मिलता कर्मातीत बने कि नहीं बने, सूक्ष्म शरीर से कोई प्रूफ नहीं मिलता? बाबा ने बताया नहीं कि सूक्ष्म शरीर वाले जो भूत प्रेत होते हैं वो कोई में प्रवेश करते हैं तो उनका प्रूफ नहीं मिलता? अव्यक्तवाणी में प्रूफ बताया है, कोई में भूत प्रवेश करता है तो दो दो तरह की बातें करेगा, एक तरह की बात करेगा या दो तरह की? दो तरह की। तो ब्रह्मा की सोल, उनसे पूछा जाए गीता का साकार भगवान कौन है,
तो क्या बताएंगे? कृष्ण है या नहीं? कृष्ण की आत्मा गीता का साकार भगवान बनती है या नहीं बनती है? क्या कहेंगे? और पढ़ाई क्या पढ़ाई? आपने लेट इंट्रोड्यूस कर रही बात तो फिर तो इसे साबित हो गया कि दो दो बातें करती है, माने प्रूफ मिल गया। और उसके आगे प्रमाण में महाप्रह्मा मन जीव बनकर जगत जीव बन गए। बाप ब्रह्मा मन जीव तो जगत जीव, ब्रह्मा बाप नहीं, बाप ब्रह्मा। बाप कौन है पहले? अरे पहले पहले बाप कौन है? प्रजापिता बाप है। हाँ वो ब्रह्मा भी है, उसे कहते ही है प्रजापिता ब्रह्मा। पहले पिता कहते हैं कि पहले ब्रह्मा कहते हैं? है पहले पिता है। हाँ तो उनके लिए एक बात है, विश्व का मालिक बन चुके हैं मन जी, जो विश्व जी बन चुके हैं, बन चुके हैं। उनसे उनसे कोई कहे कि तुम शादी कर लो तो कर लेगा? मन इतना चलायमान उनका होगा? औरों का मन चलायमान हो सकता है उनके मुकाबले। हाँ लेकिन मन कंट्रोल है, मन का कंट्रोल है, संपूर्ण है ऐसे भी नहीं। मन अगर संपूर्ण कंट्रोल हो जाएगा तो शंकर की सवारी कौन साबित हो जाएगा? बैल। लेकिन अभी तो बीच बीच में बैल शंकर पर सवार होता है, इससे क्या प्रूफ मिलता है कि अभी 100% सवारी मन रूपी बैल के ऊपर नहीं हुई है? और धारणा कुवानी में जब आगे दाता बोलते हैं तो भी यही बात है। हाँ जी हाँ जी। और लास्ट वीक रूम कर रही ना आदि में प्रजापिता ब्रह्मा की। हाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की लाश गुम कर दी, ऐसे नहीं बोला, लाश भी गुम कर दी। हाँ लाश भी गुम कर दिया है तो प्रजापिता की तो की ना। हाँ तो उसको गुम कर दी। त्रिमूर्ति की जहाँ बात आई है वहाँ बात बात बताई कि बाप की लाश को भी गुम कर दिया है तो गुम कर दी माना जला दी। किसी को मार देते हैं ना, तो अगर उसे मारे हुए को जला दिया तो भी लाश गुम हो गई। उस लाश को कहीं नदी में फेंक दिया पत्थर बांध के तो भी मछलियां खा जाएंगी, मिलने वाली नहीं है। कहीं गहरी जमीन में खोद करके गाड़ दिया तो भी पता नहीं चलेगा। अब क्या किया ये तो नहीं कहा जा सकता, मैंने गुम कर दिया ताकि कोई प्रूफ न मिले कि मर गया है या जिंदा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या बोलते हैं? हैं जिंदा है, कोई कहते हैं जिंदा है, कोई कहते हैं मर गया। हनुमान के लिए कोई के साथ हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या बढ़ रहा है, ये चुकतू होने का या बढ़ने का पता कैसे चलेगा? अगर हिसाब किताब बढ़ रहा है तो वर्तमान जन्म के कर्मों के हिसाब से कहेंगे या पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से कहेंगे? हाँ अगर वर्तमान जन्म के कर्मों के हिसाब से कहेंगे तो क्यों कहेंगे, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से क्यों नहीं कहेंगे? हाँ इसलिए कहेंगे कि संगम युग में जो पाप कर्म हम करते हैं किसी के साथ कर्म इंद्रियों से, तो उसका पाप कितना गुना चढ़ता है? 100 गुना चढ़ता है। अब जब 100 गुना एकदम पाप चढ़ गया तो वो प्रभाव अपना प्रत्यक्ष दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? है प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाएगा।
लगाव ज्यादा बढ़ जाएगा या घट जाएगा? लगाव बहुत बढ़ जाएगा। स्मृति किसकी आएगी? जिसके साथ हिसाब किताब बढ़ गया है उसकी स्मृति आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो जिसके साथ हिसाब किताब बढ़ता है उसकी स्मृति बढ़ जाती है, अटैचमेंट बढ़ जाता है, और जिसके साथ हिसाब किताब कम हो जाता है उसकी स्मृति छूट जाती है। यही पहचान है बाबा। हाँ। कोई बांदेली माता के लिए अगर हम प्लान बनाते हैं बाबा से मिलने का, तो अच्छी बात है या फिर उसको ड्रामा पर छोड़ दें, क्या आना होगा और ड्रामा में होगा तो आएगी, ऐसा करना है, क्या करना उचित है? ये तो अपनी अपनी हिम्मत की बात है। कोई हिम्मत करता हो कि चाहे हमको जूते पड़े, चाहे हमारी पिटाई हो जाए, चाहे जेल में बंद हो जाएं, लेकिन हम बाबा से मिलवा देंगे तो ठीक है, हिम्मत करें। बाबा से मिलवा देना कोई गलत बात तो नहीं है, मिलवाएंगे तो उस आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन बाबा ये तो नहीं कहते कि पति की परमिशन के बगैर कोई बाबा के पास आ जावे, बताते हैं? हैं? ये तो नहीं बताते। तो बाबा की श्रीमत के अनुसार कदम उठाएंगे तो उसमें फायदा है। वो तो कभी देगा ही नहीं परमिशन। अगर कभी परमिशन नहीं भी देगा तो बाबा ने इशारा दिया है 1947 में क्या हुआ, जिनको 7-7 तालों के अंदर बंद रखा, जिनको परमिशन दी ही नहीं, उनको ऑटोमेटिक परमिशन मिल गई या नहीं मिल गई? अति का अंत हुआ या नहीं हुआ? हुआ। राखी करते करते तो सालों चले जाते हैं। चले जाने दो। अंत मते सो गति हो, जिनकी होनी होगी तो हो ही जाएगी। जो अंत में आएंगे वो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो ऐसे मिलन नहीं होता ना बाबा। कैसे? ऐसे और वैसे और कैसे क्या? अभी जैसे शांति में ज्ञान सुनने तो नहीं होगा ना। न शांति अभी है न शांति अंत में होती है। ये दुनिया में तो अशांति बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? और ही बढ़ती जाएगी। ये तो अपने मन को शांत करने की बात है। और द्वापर कलयुग में बाप की बच्चे दूसरे दूसरे धर्म में जाकर, द्वापर कलयुग में संगम संगम में कैसे होती है? औरों की मत पर नहीं चल पड़ते हैं? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा की मत को छोड़ करके औरों की मत पर चल पड़ते हैं या नहीं चल पड़ते हैं? बाबा को भूल जाते हैं और गुरुओं को गुरु बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं? बना लेते हैं। लेकिन वहाँ के लिए कहा जाता है कि उसे कन्वर्ट होना नहीं है। जन्म उस धर्म में जन्म लेना वाला उसे कन्वर्ट होना नहीं है। हाँ, यहाँ भी कन्वर्ट हो गए, यहाँ भी बाप की बात नहीं मानेंगे, कहते हैं ब्रह्मा भी उतरवाए तो भी हम नहीं मानेंगे, ब्रह्मा की बात भी नहीं मानेंगे, बाप की बात भी नहीं मानेंगे। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। मुरली में तो ऐसे ही बोला है। और अभी बताया कि पति की परमिशन के बिना बांदेली माता बाबा को नहीं मिल सकती, बाबा का युक्ति बताई। युक्ति से अपना टाइम निकाल करके सांप मरे न लाठी टूटे, ऐसे युक्ति से अपना काम निकाल लो, हिम्मत करके। और बाबा अभी खांडवप्रस्थ और हस्तिनापुर कौन सा है? हस्ति माने हाथी और पुर माने रहने का स्थान, जो हाथियों के रहने का स्थान है, जहाँ सब देह अभिमानी सांडे हाथी ही रहते हैं, वो है हस्तिनापुर। अच्छा,
हाँ इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ ही है। इंद्र ने, हाँ इंद्र ने जो प्रकष्ठ स्थान बनाया उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। हाँ प्रस्थ, प्रकष्ठ स्थान और बाबा ब्रह्मा को कठबुद्धि बोला, मंथन नहीं किया है। ब्रह्मा को कठबुद्धि बोला ना, हाँ कांट की मुड़ी बजे, हाँ तो वो काठमांडू। और बाबा भगवान ने जैसा सुनाया वैसे सुन लिया, तो भगवान जो श्रेष्ठ टीचर है उसके भी वाक्यों का मंथन करना, तो उसके आगे बुद्धि चलाना है, ये अच्छी बात है क्या? बुद्धि चलाना, उसने मंथन नहीं किया ना ब्रह्मा बाबा ने, हाँ तो उसको कठबुद्धि बोला बाबा ने, हाँ तो भगवान ने जो सुनाया वाणी में वो सुना दिया दूसरों को। सुना दिया माने जो कुछ सुनाया उस सुने हुए को विचार नहीं करना चाहिए। तो भगवान अगर सुना रहा है तो उसमें अपनी बुद्धि चलाना नहीं, भगवान ने जो सुना दिया कि पवित्रता अच्छी चीज है, सन्यासियों की पवित्रता नहीं पालन करनी चाहिए, मैं गृहस्थियों की पवित्रता सिखाता हूँ, तो इसमें विचार चलाने की बात नहीं है कि इसमें अंतर क्या है। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं और गृहस्थी भी, ऐसे गृहस्थी जिनको भगवान आकर के गृहस्थ धर्म में रहते हुए पवित्र बनना सिखाता है वो भी पवित्र रहते हैं। उन गृहस्थियों में अव्वल नंबर कौन है? भगवान जिनको आकर के गृहस्थी में रह के पवित्र रहना सिखाते हैं उनमें अव्वल नंबर कौन है? अरे अव्वल नंबर कोई सैंपल है? अगर अव्वल नंबर कोई पवित्र है ऐसा गृहस्थ धर्म में रहते हुए तो उसकी पूजा भी दिखाई जाती होगी कि नहीं? अव्वल नंबर में कौन है? हैं? शिवलिंग। ये लिंग किसकी यादगार है? प्रजापिता की यादगार है। तो वो प्रजापिता के बारे में, वो लिंग के बारे में, वो पवित्रता की गहराई क्या है उस पर विचार करना ये बच्चों का काम है या बड़े का काम है? तो बड़े ने बुद्धि अगर नहीं चलाई होगी तो इस बात को समझेगा कैसे कि भगवान ने हमको कौन सी पवित्रता सिखाई है? और ब्रह्मा ने वो पवित्रता सीखी और सीख करके भगवान बाप से डायरेक्ट जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति की या सत्युग में जाके प्राप्ति की? सत्युग में भगवान से प्राप्ति होती है या अपने बाप से प्राप्ति हुई? अपने बाप से प्राप्ति हुई, भगवान से तो प्राप्ति नहीं हुई, तो फायदा क्या हुआ? तो भगवान तो सबसे बड़ा टीचर है दुनिया का। हाँ तो टीचर होता ही इसलिए कि बुद्धि को चलाए, जो बुद्धि चलती नहीं है उसकी गति हुई नहीं। गति ही नहीं हुई, बुद्धि गतिवान नहीं है। बुद्धि गतिवान होनी चाहिए या जामड़ी बुद्धि होनी चाहिए? बुद्धि को गतिवान ही होना चाहिए। पहले मन बुद्धि की सदगति करता है कि पहले शरीर की सदगति करता है? पहले मन बुद्धि की सदगति करता है। तो भगवान से करण करावनहार है ना? हाँ करणहार भी है, ब्रह्मा द्वारा करता है। और ब्रह्मा से क्यों नहीं कराए? हैं? क्यों नहीं उसकी बुद्धि चलाई? क्या क्यों क्यों क्या का तू सवाल? ना कि यहाँ क्यों नहीं रखी? अरे ना कि यहाँ क्यों नहीं रखी, ये क्यों का कोई जवाब होता है? कौन 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 फालतू की क्यों 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 करना? तो बच्चा है ना बाबा। हाँ बच्चा है तो बच्चा बुद्धि है तो उसको प्राप्ति भी बच्चा बुद्धि जैसी होगी या बड़ों जैसी होगी? बच्चा बुद्धि जैसी प्राप्ति होगी। स्वामी शाही बच्चा रखे, पूरा संगम युग बच्चा बना के रखे। सो क्या हुआ, उसने बच्चा बनाया या बना बनाया बच्चा ड्रामा में? अरे वो बना बनाया ड्रामा में बच्चा है या शिव बाबा ने बनाया? तो बना बनाया बच्चे। हाँ प्यारा बच्चा तो है।
और बाबा दादाजी बड़े ब्रह्मा की आलू की आयु कब से गिरी जाएगी? हैं? दादाजी बड़े ब्रह्मा की आलू की आयु कब से गिरी जाएगी? अलौकिक आयु, अलौकिक आयु जब से वो 60 साल के गिने गए तभी से उनकी अलौकिक आयु गिनी गई। आयु शरीर की होती है, आयु शरीर की होती है या आत्मा की होती है? तो जब वो सन 36 में, वो 47 में 60 साल के हुए तभी से उनकी आयु गिनी गई। अभी शरीर छोड़ने के बाद कब गिनी जाएगी? है? शरीर छोड़ने के बाद अभी कब गिनी जाएगी? शरीर छोड़ने के बाद? हाँ, जैसे बोला दो दिन किस के 50 साल कम होते हैं। हाँ, तो 50 साल तो उनके लिए बात बोला है क्या? 50 साल 5000 वर्ष में से कम हो गए, शरीर की आयु में से कम नहीं। ये कहा कि जो 5000 साल की ड्रामा की आयु है उसमें उनके 50 साल कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना स्थूल शरीर तो होता ही नहीं है इसलिए कम हो जाते हैं। स्थूल शरीर तो 36 के बाद मिलेगा ना? हाँ, सन 36 के बाद स्थूल शरीर मिलेगा, लेकिन स्थूल शरीर जो है वो उनका गायन पूजन भी होता है, वो कब से होता है? बस वही उनका स्थूल शरीर भी हो गया। 36 तक वो जो 18 साल है, 18 साल शरीर तो नहीं बाबा, अभी जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसको वो अपना समझते हैं या नहीं है? परमानेंट प्रवेश करते हैं, अभी जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो परमानेंट है या बीच बीच में प्रवेश करते हैं और अपना न समझ करके दूर हो जाते हैं? तो उनका अपना शरीर नहीं है ना, अभी 18 के बाद कांस्टेंट हो जाएंगे। और बॉम्बे में गणेश पूजा सबसे जास्ती होती है, अभी लाखों खर्च करते, इसका कारण क्या? बॉम्बे पश्चिमी सभ्यता है या पूर्वी सभ्यता है? है पश्चिमी सभ्यता है। पश्चिम में देह अभिमानी ज्यादा होते हैं या पूरब में ज्यादा होते हैं? है पश्चिम में जास्ती देह अभिमानी होते हैं, नहीं तो शंकर को जास्ती मानना चाहिए। शंकर आत्मा अभिमानी है या गणेश आत्मा अभिमानी है? शंकर जास्ती आत्मा अभिमानी है। और पूरब में देवी की भी पूजा है, पूरब में देवियों की भी इसलिए लगा हुआ है कि कलयुगी दुनिया की पूजा है। कौन सी दुनिया की पूजा है? कलयुगी दुनिया की, द्वापर युगी दुनिया की नहीं, द्वापर आदि की पूजा हो ऐसे नहीं कहेंगे। और कोई ने पूछा है, गीता पर हाथ रखकर कहते हैं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, ऐसा कहने की शूटिंग कब हुई? अभी जो गीता पर हाथ रखते हैं और कहते हैं जो कहूंगा सच कहूंगा, वो झूठी गीता पर हाथ रखते हैं या सच्ची गीता पर? झूठी गीता पर हाथ रखते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में झूठी गीता कौन है और सच्ची गीता कौन है? अरे दो गीताएं हैं या नहीं है? एक झूठी गीता हो जाती है, मनुष्य ही जो चैतन्य मनुष्य हैं वो ही उसे झूठी गीता बनाते हैं, और एक सच्ची गीता है, वो कोई बनावे तो भी नहीं बनेगी झूठी, सच्ची है तो सच्ची ही रहती है। तो झूठी गीता कौन है? हैं? जगदम्बा हो गई झूठी गीता। और झूठी गीता पर हाथ कौन रखते हैं? रावण संप्रदाय ही हाथ रखेंगे या राम संप्रदाय के बच्चे झूठी गीता पर हाथ रखेंगे? रावण संप्रदाय ही हाथ रखते हैं। तो झूठी गीता बनाए रहे हैं कि नहीं बना रहे? शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। क्लास में कोई को नींद आती है, उनको जगाना चाहिए या नहीं जगाना चाहिए? है जगाना तो चाहिए, लेकिन थप्पड़ मार के नहीं, पीठ में जोर से उंगली घुसेड़ के नहीं, धक्का मार के नहीं,
कैसे जगाना चाहिए है? अरे धीरे से हाथ लगा दो है? वो भी एक बार, जास्ती से जास्ती दो बार, उसके बाद नहीं, बार बार। सोता है तो सोने दो, एक बार माफ, दो बार माफ है। फिर उन्हें झटका लगने दो और नाक उनकी रगड़ने दो जमीन में। कोई ने पूछा है, बीज रूप आत्मा और आधार मूर्त आत्मा और ऊपर से आने वाली आत्मा और प्रवेश करने वाली आत्मा, ये तीन कैटेगरी की आत्माएं अलग अलग हैं क्या? चार कैटेगरी बना दी। ठीक, तो बीज रूप आत्मा आधे और दूसरी आधार मूर्त आत्मा जिस पे रखी गई, प्रवेश किया, जिनमें प्रवेश किया वो आधार मूर्त। तो बोला, और ऊपर से आने वाली आत्मा, जो ऊपर से आने वाली आत्मा है वो बीज नहीं है, नहीं है। जो धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स पीछे पीछे आते हैं वो बीज नहीं है, वो भी तो बीज है ना, तो सूक्ष्म बीज है, तो उनको भी आधार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आधेय कहेंगे। वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो नारायण है, आधे आधार। ऐसे ही है ब्राह्मणों की दुनिया में, मम्मा छोटी मम्मा ओम राधे आधार मूर्त है और जगदम्बा बीज रूप है। यहाँ उल्टा हो जाता है, या यूं कहें वहां उल्टा हो जाता है और यहाँ सुल्टा होता है। जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं यहाँ, वो ही वास्तव में आधार मूर्त है। परंतु यज्ञ के आदि में उन्होंने सारा वजन उठाया है, इसलिए आधार है। अभी सारा वजन कौन उठा रहे हैं? बीज रूप आत्माएं सारा वजन उठा रही है या पुरानी आत्माएं सारा वजन उठा रही है? है जो बीज रूप आत्माएं एकदम यज्ञ के आदि में थी, वो फिर अभी आ रही है एडवांस में, वो सारे यज्ञ का वजन उठाने वाली है। जो ऊपर से आने वाली धर्म पिताओं की आत्माएं हैं, वो बाबा से अभी ज्ञान ले रही है क्या? ले रही है? नहीं, कब लेंगी? हाँ, अंत में जब देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी, राजधानी का फाउंडेशन पक्का पड़ जाएगा, तब उन आत्माओं का आना शुरू होगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त अलग अलग है ना? हाँ, चाणक्य प्रजापिता और चंद्रगुप्त ब्रह्मा, उसका नाम ही है चंद्रगुप्त। चंद्रमा कैसा? गुप्त चंद्रमा। अलग अलग की शूटिंग अभी कैसे है? है अलग अलग की शूटिंग एक ही शरीर में कैसे? वो तो यहाँ पार्ट है, शिव का पार्ट अलग है, प्रजापिता का पार्ट अलग है और कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट अलग है। वो पार्ट से यहाँ पता चलता है, वहाँ भी पार्ट अलग अलग है लेकिन शरीर अलग अलग है। वो
चाणक्य चंद्रगुप्त को बचपन से दवाई पिलाता है ना। आजकल क्या रात में चाणक्य चाणक्य देख रहे हैं क्या? नहीं है तो चाणक्य दवाई पिलाता है ना चंद्रगुप्त को, तो उसमें एक एक बूंद विष का डालता है, एक एक बूंद विष का डालता है, और फिर अंत में उसका राज वो सुनाता है ना, तो उसको दोनों रूप बताता है, छोटा भी बड़ा भी। हाँ, तो कैसे क्या कैसे वो राज कब सुनाता है और कब में क्या राज वो दवाई के इसमें पॉइजन डालने है? क्या पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने दिल के अंदर की बात खोल के बता दो ना। चाणक्य 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 चाणक्य। अच्छा बाबा, हाँ, इस साल की पहली अव्यक्त वाणी में ही अव्यक्त बाप दादा ने वो आदि में ब्रह्मा बाबा का ही जन संपत्ति यज्ञ की स्थापना के लिए लगी थी। आदि में वो यज्ञ रचा गया, चाहे कलकत्ता में रचा गया हो या सिंध हैदराबाद में रचा गया हो, तो उनमें जो भी धन संपत्ति लगी वो सारी के सारी धन संपत्ति भगीदार की नहीं लगी, तो ब्रह्मा बाबा की लगी है, ऐसा एक पॉइंट बोल दिया उन्होंने इशारे में। क्या बोला? एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, आधा हिस्सा मिला। एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, वो ब्रह्मा भी है और वो बाप भी है, एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, क्या हिम्मत रखी? आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा। आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा। हाँ, तो अभी आधा हिस्सा तो दोनों एक दूसरे के भागीदार हुए ना, आधा हिस्सा किसको मिला और किसने ये किया? अच्छा, हद की बात या बेहद की बात उठाएं? दोनों 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 बताइए। ब्राह्मणों के दुनिया में हद की बात उठानी चाहिए या बेहद की बात उठानी चाहिए? दोनों क्यों? आवाज से बताया है। हाँ, हद तो सभी जानते हैं, हद की दुनिया में हम 63 जन्म रहे हैं तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो इस स्थूल धन की तो बात छोड़ दो, कौन से धन की बात है? हैं? ज्ञान धन की बात है, दोनों एक दूसरे के भागीदार हैं। अलग को मिला अल्लाह, बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी, तो बेहद में अगर अर्थ लगाएंगे तो इसमें प्लस में आ जाती है राम वाली आत्मा। अलफ को मिला अल्लाह, कौन है अलफ? है, अरे भागीदार तो दोनों ही हैं, राम वाली आत्मा है अलफ, जो आदि में भी खड़ी थी और अंत में भी खड़ी रहेगी। अलफ को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही, अलफ और बे जो पड़ गया, आज में भी बुद्धि से पड़ा हुआ था और अंत में भी अभी भी बुद्धि से पड़ा हुआ आधार मूर्त है। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, तो बे कौन हुआ? दादा लेकर आज ब्रह्मा की आत्मा बे हो गई, उनको बे को क्या मिली? बादशाही। कौन सी बादशाही मिल गई? यज्ञ की अल्पकाल की बादशाही मिल गई या विश्व की बादशाही मिल गई? अल्पकाल की बादशाही मिल गई। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। कौन रेल का राही हुआ? प्रजापिता चला गया, आधा हिस्सा बटा के ले गया। ज्ञान बाण किसको मिला? बरसे में राम वाली आत्मा को आधा हिस्सा मिल गया। ज्ञान बाण मिला या पुरुषार्थ रूपी धनुष मिला? क्या मिला? ज्ञान बाण मिला, बुद्ध रूपी तरकस के साथ
पुरुषार्थ रूपी धनुष किसका गाया हुआ है? दधीचि ऋषि का गाया हुआ है। दधीचि ऋषि कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा है। तो धनुष उनको मिल गया और बाण, बाण इनको मिल गया। आधा हिस्सा जो बाण मिल गया वो 69 में जब आत्मा आती है तो वो भी बाण काम में आते हैं। पुरुषार्थ भी, पुरुषार्थ रूपी धनुष भी मिला कि नहीं मिला 68 के बाद? है, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया तो पुरुषार्थ रूपी धनुष भी मिल गया। जिस धनुष के लिए गायन है कि दधीचि ऋषि के हड्डियों का बना हुआ धनुष किसने तोड़ा? राम वाली आत्मा ने तोड़ दिया। तो दोनों तरफ से अर्थ लगते हैं, हद में भी लगते हैं और बेहद में भी लगते हैं। ऐसे नहीं कि स्थूल धन संपत्ति का आधा अर्थ हम लगा लें और फिर बेहद के अर्थ को दूसरी जगह जोड़ दें। नहीं, लगाना है तो पूरा ही अर्थ लगाना है, नहीं लगाना है तो स्थूल ही अर्थ लगाओ।